Hey guys, welcome back to Lajwa Flavors. आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी स्नैक्स रेसिपी। हर रेसिपी की तरह इस रेसिपी में भी मैं बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी ताकि ये फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही अच्छी बने। जितने टेस्टी ये दिखने में लग रहे हैं ना, उतने ही टेस्टी ये खाने में भी बने थे। स्टफिंग हमने बहुत ही अच्छे से डाली थी। इसी तरह की इजी और टेस्टी रेसिपीज मैं आपके लिए लाती हूँ। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना देर करे रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड करेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ और इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, इसे भी हल्का सा सौते कर लेंगे। 2 मिनट कुक करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी गाजर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने से जो सब्जियाँ हैं वो जल्दी से कुक हो जाएंगी। तो इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे और 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। और इसके बाद ऐड कर देंगे थोड़ा सा बॉइल्ड कॉर्न और इन सभी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी मनपसंद कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक टमाटर काट के डाला है। हमें सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, इसे हल्का सा पकाएंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे केचप। यहाँ पर वैसे आप पिज्ज़ा सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप यहाँ पर केचप और रेड चिली सॉस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप चाहें तो चिली सॉस की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। और इसके बाद ऐड कर देंगे ओरिगेनो। अराउंड 1 टीस्पून ओरिगेनो यहाँ पर मैंने डाला है, इसे भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अच्छे से स्टर कर लेंगे और इसे थोड़ा सा कुक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टफिंग अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैंने बिल्कुल हल्का सा पानी डाला है ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो सॉफ्ट हो जाए। और इसे मैंने 1 मिनट के लिए और कुक किया था। और अब आप देख सकते हैं स्टफिंग बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है तो चलिए डो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमें इन्हें मोइन करना है। और ये देखिए, इसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए लगातार मैश किया था और इस तरीके से बाइंड करने पर ये जुड़ रहा है। तो इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा एक साथ पानी नहीं डालना है वरना डो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक अच्छा सा डो रेडी कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से नीड करेंगे, मलेंगे। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा डो रेडी हो गया है। और ये देखिए, परफेक्ट डो बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे ढककर रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। हमारी मैकपफ की स्टफिंग ठंडी हो गई है तो अब हम इसके अंदर चीज़ डाल देंगे। यहाँ पर मैं मोजरेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप इसे टोटली अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने पसंद से जितना चीज़ डालना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि चीज़ तभी ऐड करें जब स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो जाए। 10 मिनट्स हो गए हैं डो को रेस्ट होते हुए और अब आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। बिल्कुल इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ हो गया है। अब हम इसका एक पीस लेंगे और इसे रोलिंग पिन की हेल्प से स्मूथ कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा राउंड शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसकी कटिंग्स करने वाले हैं। इसे फैलाते टाइम ध्यान रखना है कि ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। इनको हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाने वाले हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी है आप कैसा बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हम थोड़े छोटे साइज़ के मैक पफ बनाएंगे तो उसी अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे। अब हम इसके अंदर अच्छे से स्टफिंग कर देंगे। स्टफिंग को ज़्यादा नहीं भरना है, अदरवाइज़ जब आप इसे फ्राई करेंगे ये टूट जाएगा। तो साइडों से गैप रखना है स्टफिंग डालते टाइम। दूसरी मैदे की शीट से इसे कवर कर देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। इसके बाद एक फोक लेंगे और उससे इसके ऊपर प्रिंट बना देंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। फोक से सील करते टाइम भी ध्यान रखना है कि ये फटना नहीं चाहिए। और ये प्रॉपर मैकपफ हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से बाकी सारे भी रेडी कर लेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। जब तक आप सारे मैकपफ बना रहे हैं तब तक आप ऑयल को गर्म करने के लिए रख दीजिए। और देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप इसमें मैकपफ डालें और एकदम से उसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। इससे क्या होगा, वो अंदर तक कुक नहीं हो पाएगा। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम और इसके अंदर पफ डाल देंगे। आप एक साथ 2-3 कितने भी डाल सकते हैं, पर प्लीज़ हाथों का ध्यान रखिएगा फ्राई करते टाइम।
और ये देखिए इसके ऊपर एक साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे और दोनों साइडों से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही कुक करेंगे। ये देखिए हमारे मैक पफ बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम ऑयल निकाल लेंगे, सेपरेट कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से ऑयल भी इसका निकल चुका है और कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरीके से बाकी सारे मैक पफ भी रेडी कर लेंगे। और ये देखा कितना आसान था इन्हें बनाना और ये कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। अच्छी लगे तो कमेंट करके भी बताइएगा और प्लीज़ इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।